स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल की एक नई वीडियो में। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो RBSE बोर्ड की मैथ्स की बुक, उसकी पर्सनालिटी और अपन दो से जो पहले एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक था, वो बेसिक फंडामेंटल जो भी बेसिक था, उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। अगर आपको आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उससे आपको बेसिक समझ में आ जाए। बाद में ये वीडियो, ये उस उदाहरण से आप पूरा समझ सकते हो। बाद में 13.2 का डिस्कशन हो, इसे अपने 13.1 का भी डिस्कशन कर रखा है, वो भी हिंदी में, तो आप देख सकते हो। अगर अच्छा लगे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए चलाया जाने वाला चैनल है। तो अपन शुरू करते हैं 10वें नंबर के उदाहरण से। तो 10वें नंबर का उदाहरण क्या कहना चाह रहा है कि यदि ए जो ए वेक्टर दिया हुआ है i k + 2 j k + 3 k k तथा b 3 i k + 2 j k + k k, तो ए डॉट बी ज्ञात करना है अपने को। अब ए डॉट बी अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ए डॉट बी क्या होता है। तो सॉल्यूशन अपन निकालते हैं, तो अपने को पता है ए डॉट बी मतलब ये अदिश गुणनफल होता है सदिश का। तो ए डॉट बी का मतलब होता है मोड ऑफ ए का परिणाम मोड ऑफ बी का परिणाम इंटू कोस थीटा। ये तो होता है ना ए डॉट बी इंटू कोस थीटा। तो अपने को तो यहाँ पे ए डॉट बी ही ज्ञात करना है, तो अपने को ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू अपन लिखेंगे i k + 2 j k + 3 k k · 3 i k + 2 j k + k k। अब आई को आई से आई का आई वाले से साथ साथ डॉट लेते हैं। अब मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट फॉर्मुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको एकदम फंडामेंटल तरीके से बताना चाह रहा हूँ। पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि i k · 3 i k। अब इनका डॉट क्या, इनका मोड ले लेते हैं अपन। तो अगर अपन मोड लेंगे तो कोस थीटा आएगा, कोस थीटा क्या आएगा, सॉरी मतलब कुल मिला के अपन i k को i k के साथ डॉट लिखेंगे, ठीक है ना। i k 3 i k का डॉट पहला। अब इसको आई का जे के साथ डॉट लेंगे तो थीटा आएगा। तो आई मतलब एक्स एक्स दिशा में और जे मतलब वाई एक्स दिशा में, जो 90 डिग्री होगा तो कोस थीटा 90 जीरो होता है, तो वो पूरी टाइम 0 हो गए, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार वाई वाले को वाई से गुणा करके लिखे, क्योंकि इनमें तो 0 होने वाला है। तो 2 j k · 2 j k, ठीक है। और फिर लिखेंगे 3 k k · k k। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाना है, तो ए डॉट बी के फॉर्मूले से मोड ऑफ बी, तो मोड ऑफ a1 × 3 cos i k, एक्स एक्स में दोनों मतलब कोस 0 हो गया, तो कोस थीटा की 0 + यहाँ पे ऐसे पूरा एक्सप्लेन करोगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। 2 × 2 और फिर से कोस 0, और यहाँ पे 3 × 1 और कोस 0। तो कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 × 3 तो 3 + 2 × 2 = 4 और + 3 × 1 = 3। तो 3 3 6 और 4 10। तो इसका ए डॉट बी का मान जो आएगा वो 10 आएगा।